अरे कितने लोग आ गए जल्दी चलो। फंक्शन ईद दिवाली या कोई यारो हो पार्टी, नाचे गाए मौज मनाए, होगी कमी ना किसी बात की। आपकी तालियां तो भी हैं, आपकी खुशियां जीत अपनी हैं, आप जो भी कहे सब सही सही सही। आपकी हो हमेशा जय जय जय। नगर कटे नागर कटे नागर कटे शंकर का ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा, नागर कटे शंकर का ऑर्केस्ट्रा, नागर कटे शंकर का ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा, नागर कटे शंकर का ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा। कल्पना डॉक्टर विश्व भारती, डॉक्टर रम्मी अंबिका सुपर है सुपर है। रवि सर शिवना पुनीत दर्शन सुदीप रूपेंद्र बम्पर है बम्पर है। राजमणि सुंदर कृष्णा रवि शेखर आर्या भट्ट दर्शन राजू महाराज नागट्टा, ये सब है हमारे नागर कटे शंकर का ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा, नागर कटे शंकर का ऑर्केस्ट्रा, नागर कटे शंकर का ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा, नागर कटे शंकर का ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा। वेंकटेश हंसलेखा मनोहर गुरु किरण हरि कृष्णा अर्जुन का म्यूजिक है उदय शंकर गीत प्रिया नागेंद्र प्रसाद कल्याण योग राज पट्टू की गायकी का लिरिक्स है। बीबी जानकी के गाने चिन्नी प्रकार मास्टर के स्टेप्स हैं, सारे डायरेक्टर सही सही, सारे प्रोड्यूसर्स की जय जय। आपकी तालियां तो है, आपकी खुशियां ही जीती है। नागर कटे नागर कटे शंकर का ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा, नागर कटे शंकर का ऑर्केस्ट्रा, नागर कटे शंकर का ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा, नागर कटे शंकर का ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा। इसे उठाकर गाड़ी में डाल। ए, मैं कह रही हूँ छोड़ दे मुझे। मुझे छोड़ देंगे तो मजे कैसे लेंगे? बहुत नखरे दिखा रही है। ये इलाका मेरा है और तू बीच में आ रहा है। तू क्या कर लेगा? अच्छा काम करोगे तो ताली बजाऊंगा, लफंगे गिरी करोगे तो चप्पल टूटने तक मारूंगा। ए शंकर, तेरा यहाँ पर क्या काम है? जा प्यारे, जाकर गाना गा। ए जाना, गाना गा जाकर। मेरे प्यारे दर्शकों, इस कमीने को मैं कुत्ते की तरह मारूं क्या? हाँ, मारो, मारो। इसके हाथ पांव भी तोड़ दूं क्या? हाँ, तोड़ दो। स्टार्ट द म्यूजिक। ओके। कैसा लगा? थैंक यू। स्टॉप द म्यूजिक। जी जी भाई आ रहे हैं, 2 मिनट में पहुंच रहे हैं। जी हाँ जी हाँ जी। सर ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। हिंदी का कोई भी प्रोग्राम हो तो हमें आप जरूर याद कीजिएगा। क्यों साथियों? अच्छी बात है। 1 सेकंड। थैंक्स यार, तुमने हमारी बहुत हेल्प की। चलो अब हम दोनों घर जाएंगे। मेरा तू मसाज करना और तेरा मैं मसाज करूंगा। हेलो मिनिस्टर साहब, मैंने बहन की शादी का कार्ड 1 महीने पहले दिया है। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, कोई कहानी मत सुनाना। आकर आशीर्वाद देकर ही यहाँ से जाना। अब फोन रखता हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। श्री मल्लिकार्जुन भला करे। नमस्ते भाई जी। क्या रे बल्ला, तुझे सुबह बुलाया तो दोपहर को आ रहा है? नहीं भाई वो। ठीक है रहने दो, छोड़ो। जो चाहिए वो शॉपिंग कर लो और तैयारी शुरू करो। चलो जाओ। जी जी। जैसी लग रही है, किसी की नजर ना लग जाए। प्यारी लग रही है। वैसे एक बात बता, शादी तेरी है या तेरी बहन की? बहन की है। बहुत अच्छी लग रही हो। तेरी वजह से तेरी बहन की शादी में चार चांद लग जाएंगे। भैया। क्या हुआ बहन? मुझे वो साड़ी चाहिए। वो वाली साड़ी? हाँ वही वाली साड़ी चाहिए। अब ये कैसी जिद है? उससे अच्छी अच्छी साड़ी तुम खरीद चुकी हो। अब वो उसे पसंद आ गई है तो जाने दो उसे। मुझे वही साड़ी पसंद आई है। ऐसी बात है क्या? ए छोटे, उसी तरह की एक साड़ी और ला। अगर दूसरी साड़ी दिलवानी है तो हमारे घर की काम वाली बाई को दिलवाओ। मुझे मेरी पसंद की ही साड़ी चाहिए। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। दीदी बेकार में क्यों मुंह फुलाकर बैठी हो? ये साड़ी तुम्हें पसंद है ना? ये लो, ये साड़ी तुम ले लो। खुश हो ना? अब मुस्कुरा दो, हंसो। भाई जी क्या इंतजाम किया है आपने अपनी बहन की शादी का? मजा आ गया। मुंबई से लेके नागपुर तक और अमरावती से कोल्हापुर तक भाई जी की बहन की शादी की चर्चा है। सच में भाई हो तो आप जैसा। भैया। क्या हुआ बहन? मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि प्रिया को कोई काम मत देना। वो कोई भी काम ढंग से नहीं करती भैया। ऐसा क्या हुआ? और क्या होगा, कल आने वाली ब्यूटिशियन अभी तक नहीं आई। ना मेकअप हुआ है और ना हाथ में मेहंदी लगी है। और 4 बज चुके हैं। 6 बजे एंगेजमेंट है और अगर 5 बजे तक ब्यूटिशियन नहीं आई तो एंगेजमेंट कैंसिल। मेरे बदले आप कर लेना एंगेजमेंट। हाँ। प्रीति, अरे सुनो तो। सिर आंखों पर बिठाकर पालेंगे तो ऐसा ही होता है। देव, देव। हाँ जी जी भाई जी। प्रिया कहाँ है? कहाँ है वो? बहुत देर से फोन ट्राई कर रहा था, फोन स्विच ऑफ बता रहा है, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ भाई जी, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। ये प्रिया ना किसी की बात नहीं सुनती, सभी को टेंशन देती है। भाई जी प्रिया आ गई। एक बार और फोन लगा के देख। प्रिया क्या हुआ भैया, सब ऐसे घबराए हुए क्यों हैं? ब्यूटीशियन कहाँ है? भैया वो यहाँ आने के लिए निकल ही गई थी, पर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मर गया मैं तो। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, शादियों का सीजन है ना, सभी लोग बिजी हैं। छे, क्या कह रही हो, तुम्हारी दीदी कैसी है तुम्हें पता है ना? आज शाम तक अगर ब्यूटीशियन नहीं आई तो वो एंगेजमेंट करेगी ही नहीं। मुश्किल ये है भैया। सुन बहना, तेरी बहन सुग्रीव को भी धो देगी। लेकिन मैं भी सुबह से ढूंढ कर थक गई हूँ। ये कैसे खड़ा है देखो, ये सब इसकी वजह से हुआ है। मैंने इसे कल ही कह दिया था भैया, इसने अनसुना किया। मैंने कहा था उसे जाकर ले आओ, पर सिरदर्द का बहाना बनाने लगा और अब देखो हम सबको सिरदर्द दे दिया। तू जहाँ जाता है कुछ न कुछ गड़बड़ करता ही है, तुझे तो बंदर होना चाहिए था, इंसान कैसे हो गया? थैंक्स। अबे ओए, कैसे करेगा ये मुझे नहीं पता। सुन ले, अगर प्रीति के एंगेजमेंट से पहले ब्यूटीशियन यहाँ आ गई तो ठीक है, और अगर नहीं आई तो यहाँ शादी की जगह कुछ और होगा। तो फिर क्या होगा? तेरा श्राद्ध होगा। अरे बाप रे, मर गया भगवान मैं तो। चलो सब लोग काम पर लग जाओ। अब इंतजाम ये करेगा। कहाँ से इंतजाम करो, मर गया मैं। चले आते हैं, कोई हलवा है क्या कि 2 मिनट में हो जाएगा? कमाल है। ए परी, तेरी आंखें कितनी खूबसूरत। बस यही सब सोचता है ना किसी को। ए परी परी रुक रुक। ए परी, ऐसी बैठी रहोगी तो कैसे चलेगा बेटा, तेरी शादी होने वाली है, दुल्हन है तू। दीदी, चाची, इसे कह दो कि ये मेरी आंखों के सामने से चली जाए, वरना मैं क्या करूंगी मुझे ही नहीं पता। ए परी, तेरी जैसी चुड़ैल की कोई ब्यूटीशियन फ्रेंड नहीं है क्या? मैं क्यों बताऊं? तो ऐसा लगता है जैसे जंगल के आदिवासी को शहरी बच्चा पैदा हो गया। मेरी हालत वैसी हो गई है। अबे तेरी बहन सामने नहीं होती तो तेरा सर फोड़ देता मैं। अबे मुझे नहीं चाहिए, जा यहाँ से। है मेरे पास भी है, दिखाऊं? ये देख देख देख, भाग। कहाँ फंस गया? अरे अब क्या करें बता ना। मुझे क्या पता। अरे नहीं मिली तो भाई मेरा श्राद्ध करा देंगे, समझे? कैसे हो ब्रो? हे भगवान। अरे भाई आप, देखा ना? हाँ मैं ही हूँ, समझ गया। क्या हुआ भाई, ऐसे घबरा रहे हो जैसे यमराज को देख लिया हो? आप भी उसी की बात कर रहे हैं। मर गया, अब क्या हो गया मेरे बाप, मेरी तो मौत पक्की है। रुको यार, पहले हमारा ऑर्केस्ट्रा देख लो, फिर मरते रहना। अरे भाइयों, ये शादी होगी या नहीं होगी यही डाउट है। ऑर्केस्ट्रा कहाँ चलाएंगे हम लोग? अब हमें अपनी प्रॉब्लम तो बता दो। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे शेर के पिंजरे में चूहा फंस गया हो। किसी भी तरह ये फंक्शन होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो। और नहीं हुआ तो इसका श्राद्ध होगा। दूंगा खींच के। हाथ में कपूर का दिया लेकर पूरा गांव छान मारा। मेकअप करने वाली और मेहंदी लगाने वाली कहीं नहीं मिल रही हैं। वो मिली तो शादी, नहीं तो श्राद्ध होगा, वो भी मेरा। समझ गए कि नहीं? ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। अरे बेवकूफ कहीं के, हाथ में वॉच बांधकर सूरज से टाइम पूछने वालों में से है तू। सुन ले, तुम्हें ब्यूटीशियन चाहिए और मेहंदी लगाने वाला भी चाहिए। ये है प्रमीला बाई। मुझे शर्म आती है यार। हम छोड़ो, ये जो है ना ऐश्वर्या, सोनम, दीपिका, करीना जैसी एक्टर्स की मेकअप करने वाली मेकअप लेडी है। अच्छा वो है। शंकर सुनो। हाँ हाँ मैं यही हूँ। क्या हुआ? ये मेहंदी कौन पकड़ ले तो मेहंदी खुद लग जाएगी। अच्छा। किसी भी त्योहार से पहले लड़कियों को इससे मेहंदी लगवाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। मेहंदी वाला फिक्स। ये तो हो गया। बहुत बढ़िया। यही घर है, वो जो खड़े है ना वही हमारे भाई जी हैं। तुम लोग यही खड़े रहो, मैं उनसे बात करके आता हूँ, फिर तुम लोगों को मिलाऊंगा। ठीक है ना, यही खड़े रहना। ठीक है, आता हूँ। भाई जी आपने 5 बजे तक का टाइम दिया था ना, ये देखिए अभी 10 मिनट बाकी ही है। वो देखिए सारे स्पेशलिस्ट लेकर आ गया मैं। लगता है शुरुआत अच्छी होगी। ये शादी होके रहेगी और बहुत धूमधाम से होगी। मेरे रहते आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। जिंदगी में पहली बार तूने कोई अच्छा काम किया है। अब इन्हें प्रीति के कमरे में लेकर जा, अगर टाइम पर नहीं हुआ तो तेरा श्राद्ध पक्का है। चल जा। देखो मतलब निकल गया तो कैसे दूध में से मक्खी की तरह निकल गया। चलो भाई ऊपर चलते हैं, दुल्हन वहीं पे। आ जाओ, चलो तुम लोग जाओ, हम सारी सजावट वहीं करेंगे ऊपर ही। आ जाओ। हाँ क्या चल रहा है, तुम लोग बैठ करके कोई खेल खेल रही हो क्या? ब्यूटीशियन आई है कि नहीं? अरे मेरी माँ टाइम के पहले अरेंज कर दिया है, वो भी एक नहीं 2-2। ये दोनों अपने काम में PhD हैं। इन दोनों में पीएचडी किसने की है? ये मेकअप करने में माहिर हैं और ये मेहंदी मेहंदी लगाते हैं और ये मेकअप करती हैं। तो बाकी के ये लोग सब शो देखने आए हैं? जी वो प्लीज पहले इज्जत देकर बुलाते हैं, बाद में भगा देते हैं। हम भिखारी हैं क्या? अच्छा बताओ, पहले मेहंदी लगवाओगी या मेकअप करवाओगी? फर्स्ट मेरी मेहंदी, नेक्स्ट मेकअप। गुरुजी आप तैयार है ना? हाँ हाँ रेडी रेडी। गर्ल्स रेडी ना? हाँ रेडी रेडी। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम लोग रेडी हो या नहीं, मेहंदी का कौन रेडी है कि नहीं। आप बैठिए, आप मेरे पास बैठिए। लीजिए जो कलर पसंद है वो लगा दीजिए। मेहंदी तो एक ही कलर की होती है। तुमने हाथ तो धोए है ना? प्लीज ये लो। थैंक यू। हाँ ये अपना ही घर है, जाते से मैं नंबर देकर जाइए। दीदी ये क्या है, हर किसी पर तुम रौब झाड़ती रहती हो। हाँ हाँ मैं ऐसी हूँ, तू अपने काम से काम रख। हाँ हाँ मेरी माँ ठीक है। तुम दिखने में एकदम मॉडल की तरह लगती हो। थैंक्स। हाथ धो के आ गया। अभी तो मेहंदी लगा सकता हूँ ना? अरे मजाक मत करो यार। ये लो भाई शुरू हो जाओ। कौन सी डिजाइन चाहिए आपको? कोई नई डिजाइन बनाऊं? अरेबिक स्टाइल? बहुत खूबसूरत हो तुम। तुम्हें मेहंदी लगाना नहीं आता है क्या? हाँ आती है। हम भी इसी से लगवाएंगे। अभी वो हाथ दो। तुम्हारी आंखें कितनी अच्छी हैं और तुम्हारे दांत तो कमाल है। अब बस करो, रहने दो। मेरा काम तो हो गया। थैंक यू जी। हेलो मिस्टर माइक टेस्टिंग, तुम एक आर्टिस्ट हो ना? मेहंदी तो तुम बहुत अच्छी लगा लेते हो, लेकिन अगर सच में एक अच्छे आर्टिस्ट हो तो मैं एक चैलेंज देती हूँ, एक्सेप्ट करोगे? हनुमान ये लड़की आखिर है कौन? यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं आप? मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। क्या? ए, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कमाल है, कैसे आर्टिस्ट हो। डब्बा। ओ मैडम आप अपना डब्बा अपने पास ही रखिए। हमारे शंकर को ऐसा वैसा समझ रही है क्या? अपना चैलेंज हमें बताइए। हेलो अंकल, क्या बात है, आपके शंकर के मुँह में जुबान नहीं है क्या? या फिर मेरे सामने शर्मा रहा है? कुंडी खटकाने से तो दरवाजा भी जवाब देता है। ओए होए 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 गोभी मंचूरियन, अपना चैलेंज तो बताइए। फिक्र मत करो, सिंपल है। मेरी एक और बहन है, उसकी आंखों में आंखें डालकर गौर से देखना होगा और उसके बाद मैं आपकी आंख में पट्टी बांध दूंगी। फिर आपको उसके हाथ में उसका फेस बनाना होगा, चलेगा क्या? ये कैसे हो सकता है? बेटा ये कोई चैलेंज है क्या? तो ऐसा चैलेंज हमारा शंकर कई बार फेस कर चुका है। जा शंकर, करके दिखा। अरे क्या सोच रहा है, ऐसे क्यों स्टैचू के जैसे खड़ा हो गया? अबे तेरी। ओ चलो चलो आओ ना। अरे कहाँ कहाँ जाना है? मधुर रंग है मधुरंगी ये मेहंदी, कर मन को भाए मेहंदी, मधुरंगी ये मेहंदी, प्यारा प्यारा रंग है मधुरंगी ये मेहंदी, नव वधु का रूप खिलता जब अंगी लगे मेहंदी, भाव प्रेम का है मेहंदी लाल रंग, खास है सभी से मेहंदी का ये रंग, प्रीत का है जादू, प्रीत की है खुशबू। आपके चैलेंज के हिसाब से मैंने अपना काम तो कर दिया। तुम्हारी दीदी के हाथ में उसकी तस्वीर बना दी। क्या बात है, बहुत कॉन्फिडेंस है खुद पे। एक काम करना, आपकी दीदी की मेहंदी सूखने के बाद उस पे कोकोनट ऑयल लगाकर वॉश कर लेना। लोग जैसे जैसे उसकी तारीफ करेंगे आपका रंग वैसे वैसे चढ़ता जाएगा। बस करो आप अपने माइक टेस्टिंग का काम बाहर जाके कर लो। हाँ, आए बड़ा हमें बताने वाला। हाँ अब क्या है? तस्वीर में और तुम्हारी दीदी के चेहरे में एक चीज का डिफरेंस है। वो ढूंढ कर बता दो तो मैं तुम्हें गिफ्ट दे दूंगा। चलो दीदी, पता नहीं खुद को क्या समझता है। मैसेज लिख दिया। इनडायरेक्टली कह रहा है कि अगर आप ब्यूटी स्पॉट लगाओगी तो और भी अच्छी लगोगी। आपने तो अपने हाथ में मेहंदी लगवा ली, अब पता नहीं मुझे कौन लगाएगा। छोड़ो। कोई भी इंसान मेहंदी को देखकर तारीफ करेगा तो रंग और निखरेगा, ये तुमने ही कहा था ना। देखो रंग कितना निखर गया है। दिल से बनाई है इसलिए दिल को छू रही है। प्यार के नाम से प्यार बन जाओ तभी मेहंदी रंग लाएगी। चलो शंकर, काम तो हो गया अपना। भाई तुम्हारी टीम तो बहुत शानदार है। आज अगर मेरी बहन की एंगेजमेंट हुई है तो तुम्हारी वजह से। तुम लोगों ने दिल जीत लिया। देना जरा, ये तुम्हारे ऑर्केस्ट्रा के लिए। थैंक यू सो मच। और ये पूरी टीम के लिए मेरी तरफ से तोहफा रख लो। मास्टर जी आज तो 30, 60, 90 फिक्स। तेरी पिटाई भी फिक्स। पर पिटाई क्यों? अब मर गया। भाई साहब कला की कोई कीमत नहीं होती। अब खुश हो गए यही बहुत है, ये रख लीजिए। हाथ में आई लक्ष्मी लौटाने वाले तुम पहले आदमी हो भाई। बहुत ज्यादा शरीफ मत बनो वरना आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे रहने दो ना, तकलीफ का सामना करो तो बुरा वक्त भी कट जाता है। वाकई तुम सच्चे हो। शंकर तुम्हारा ऑर्केस्ट्रा इतना बढ़िया है मुझे पता नहीं था। कल शादी में मैंने किसी और को बुला लिया है वरना तुम्हें ही बुलाता। कोई बात नहीं, तुम सभी लोग अपने परिवार के साथ डिनर करके जाना। जी आएंगे जरूर, भूलना मत। हाँ हाँ जरूर आएंगे। चलो तुम्हारी साड़ी बहुत बढ़िया है। पैसे आ रहे थे वापस कर दिया। क्या बात है आजकल तुमने आना बहुत कम कर दिया है, कोई और है क्या? दीदी तुम दरवाजे के पीछे छुप जाओ, वो तुम्हें ढूंढ रहा है। देखने दो ना, देखने के लिए ही तो ढूंढ रहा है। तू चुप कर, थोड़ी देर रुको, वो ढूंढते हुए आएगा। तुझे कैसे पता? मैं चैलेंज देती हूँ, देखती रहो। 1, 2 three. बदल रहा है आज का गाना माँ। हमने आज तक इतने प्रोग्राम किए हैं, उसमें सबसे ज्यादा पेमेंट इस प्रोग्राम की मिली है। बहुत बड़े दिल वाले हैं वो। इसी तरह कृपा बनाए रखना महालक्ष्मी। जय महालक्ष्मी। शंकर पेटी मास्टर बोलिए। आज तुम सबको देखकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। गुरु बहन, ये सब आपके आशीर्वाद का फल है। ये लड़का सर्वकला संपन्न है। अगर हाथ में माइक थाम ले तो सुर सम्राट है, सुर सागर है, और हाथ में मेहंदी का कोन थाम ले फिर तो महान कलाकार, महानतम कलाकार। हमारे पूज्य गुरुजी भवानी शंकर महाधिपति के पुत्र अविनाश शंकर को आपने समझा क्या है? कला तो इनके खून में है। काश ये देखने के लिए हमारे गुरुजी जिंदा होते। तेरे गुरुजी यही तो है पागल। देख कैसे देख रहे हैं भवानी शंकर जी। नाट्य मंच तो उनके लिए जिंदगी थी और संगीत तो जान थी। ये नाट्य और ये संगीत, इन सब के बिना तो बिल्कुल अधूरे थे। क्या लिखते थे, पर ऊपर वाले ने उन्हें बहुत जल्दी बुला लिया। माँ अभी तुमने हम सबको समझाया। वो हमारे साथ ही हैं, कहीं नहीं गए। फिर तुम क्यों रो रही हो? ए, चलो ना, चलकर खाना खाते हैं। चलो ना माँ। संभाल नहीं पाते। मैं हर बार आपसे जिद करती रही, परेशान करती रही आपको, तो भी आप चुप रहे। मेरी प्यारी बहना, अगर तू जिद नहीं करेगी तो कौन करेगा? मेरी दुनिया तो तुम लोगों से ही है। तुम्हारे चेहरे की खुशी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। लड़का बहुत शरीफ है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं जानता हूँ। दीदी सॉरी प्रिया, बचपन से लेकर आज तक तेरी हर पसंद की चीजें मैं तुमसे छीनते आई हूँ। मैंने तुम्हें बहुत सताया है प्रिया, मुझे माफ कर देना। दीदी दो बहनों के बीच में ऐसा तो हमेशा चलता ही रहता है ना। तुम्हारी शादी हो गई तो क्या हुआ? तुम मेरी वही प्यारी जिद्दी दीदी हो और मैं तुम्हारी वही छोटी बहन। सही कहा ना? जीजू मेरी दीदी का पूरा ख्याल रखना। डे टू डे हमें रिपोर्ट मिलनी चाहिए जी साली। और मेरा चैलेंज याद है ना, आपको डांस करके दिखाना होगा। नाच नचाओगी बाबा, मुझे कोई चैलेंज वेलेंज नहीं चाहिए। साहब एक नंबर का खरा सोना और हीरा है हमारी बहन, तकलीफ मत देना इसे। डार्लिंग वार्लिंग प्यार व्यार का जो शब्द है ना वही यूज करना। अपडेट कर रहा हूँ, याद रखना। चलो चलो। क्या ढूंढ रही हो दीदी, इतनी टेंशन में क्यों हो? यहाँ मैंने एक गिफ्ट रखा था। तुम जो ढूंढ रही हो वो ये तो नहीं? चला। हाँ यही है। नहीं दूंगी मैं, नहीं दूंगी। प्लीज दे मुझे। अच्छा दे, लेकिन एक शर्त है। इसके बदले आपको मुझे कुछ दिलवाना होगा। क्या दिलवाऊं? एक थप्पड़ लगाऊंगी ना तुझे। ऐसी बातें करोगे तो ये गिफ्ट नहीं मिलेगा आपको। हाँ अच्छा बता तुझे क्या चाहिए? मुझे एक आईफोन चाहिए। आईफोन? मेरे बजट में नहीं है आईफोन। मैं जानती हूँ इस गिफ्ट की वैल्यू बहुत हाई है, दिलवा दो ना। जिद मत कर छोटी, प्लीज दे देना। एक हाथ से आईफोन दो, दूसरे हाथ से गिफ्ट लो। ठीक है दिलवा दूंगी, प्रॉमिस। अब तो दे दे ना। इनकी खुशी तो देखो। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। हाँ राधे श्याम। अरे मेरी माँ कुछ कहना है कह के 12 बजे बुला लिया। शाम के 4 बज रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं कहा तुमने मुझे। कॉफी पी के दिमाग खराब हो गया मेरा तो। अरे कुछ बोलोगी? प्रीति का मतलब क्या है? अरे यार प्रीति मतलब तुम्हारी बड़ी बहन, कड़कती बिजली, श्रृंगार रानी। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही। तो फिर लव? ओ लव के बारे में जानना चाहती है? यू हैव 10 मिनट्स टाइम। ओहो क्या समझाओ क्या समझाओ। तुम्हारे दिमाग में कुछ है? प्यार का मतलब बेंगलुरु का लोकगीत, बेलगांव का स्वागत गान, मैसूर की एकता, तुमकुर का मजाक, गुलबर्गा की गजल, बीजापुर की एकता, दक्षिण कर्नाटक का यक्षगान, उत्तर प्रदेश का मुहावरा, रामपुर का चाकू, कानपुर का बोल बचन, लखनऊ का पहले आप, धारवाड़ का दोहा, नासिक की अंगूर, कमल हासन की एक्टिंग, रजनीकांत का स्टाइल, सलमान की बॉडी, ऋतिक का डांस, परसाई के हास्य, कानपुर की नौटंकी, मुंबई का वड़ा पाव, दिल्ली की चाट, कश्मीर की खूबसूरती, उडुपी का उपमा, क्रिस गेल का छक्का, अकरम की बॉलिंग, बनारस का शास्त्रीय संगीत, गोरखपुर का साहित्य, कोयल की मीठी बोल, कौए की काव काव, कबूतर की। ये बस, सब है बस। अरे इतनी जल्दी कैसे बस हो गया? प्यार मतलब पूरे संसार को इकट्ठा कर दो तो भी खत्म नहीं होने वाली उसकी परिभाषा। तुम्हें क्या चाहिए, कौन चाहिए ये बताओ। वो कैसा इंसान है? खूबसूरत इंसान है, गुड लुकिंग, स्मॉल फिजिक, बिल्कुल लिलीपुट का भाई लग रहा है वो। मैं उसके बारे में नहीं बोल रही हूँ। फिर किसके बारे में पूछ रही है ये? वो मतलब कौन? ये क्या इशारे कर रही है? अरे बोल के बता दो ना। ऑर्केस्ट्रा वाला शंकर करे? यस। उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा नाचता है, मेहंदी अच्छी लगाता है, इतना ही नहीं बहुत अच्छी फाइट भी करता है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। क्यों? अरे वो सवालों के भंडार, किस दुनिया में जी रहे हो तुम? 4 साल से हम साथ में, तब भी नहीं समझते। हे तुम क्या बोल रही हो बीच में? अरे वो। ओहो अब मेरी समझ में आया। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, एल फॉर। लेकिन मैं उसे ढूंढूंगा कहाँ? उस दिन तो वो अचानक मिल गया था। अरे उसने अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। रुको। श्री कृष्ण। जवान बच्चों को इस तरह से गुड़ 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 नहीं करना चाहिए। चलो ठीक से गाओ सब। प्यार की खुशबू, प्यार की खुशबू महक उठी है, महक उठी है, दिल में हलचल, दिल में हलचल होने लगी है, होने लगी है। चाहे कोई कुछ भी कहे, ये गाना सुनकर मुझे एक बात याद आ गई। इसे सुनने के बाद मेरा कबाब खाने का मन करता है। ए, कबाब वाले, कभी कबाब देखा भी है जो खाने की बात कर रहे हैं? दूंगा खींच कर। चलो शुरू हो जाओ सब। फट से जोश आ जाएगा, अंदर से आत्मा को निचोड़ कर डाल दो, लड़के बेहोश हो जाएंगे। क्या हो रहा है यहाँ? मरने जीने की बात चल रही है। आपके आने से हमारी महफिल में बाहर आ गई। हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे श्राद्ध के बारे में बात मत कीजिए। श्राद्ध अभी तक भूले नहीं। आई विश यू आयुष्मान भव। पागल है क्या तू? मनुष्य भवा या हनुमान भवा, इसे जरा भी पहचान नहीं है। अच्छा, प्रीति मैडम की शादी फिक्स हो गई है। अरे नहीं 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 नहीं, बच्चा हुआ है तो नामकरण के लिए ऑर्केस्ट्रा बुक करने के लिए आए हैं, तो लाइए फिर एडवांस। शादी कैसे पैदा हो गया इस घर में? इसे तो ये भी नहीं पता है कि शादी और प्रेम में फर्क होता है। इसे समझाना बेकार है। लो प्रिया मैडम भी आ गई। अब मेरी समझ में आ गया, प्रिया मैडम की शादी फिक्स हो गई है, इसीलिए हमारा ऑर्केस्ट्रा देखने नहीं बुक करने के लिए आई होंगी। मैडम अगर मैंने सही कहा तो फिर लाइए एडवांस। शंकर कहाँ है? शंकर तो इस समय आपको गोल गुंबज के पास मिलेगा, उसे आने में अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। मैडम, प्रिया मैडम सुनिए, ये आश्रम लगा क्या? अरे वो ऐसे ही है, छोड़। वो गोल गुंबद एक्सप्रेस है, यहाँ से शुरू होगी तो सीधा वहीं जाकर के रुकेगी। तुम लोग शुरू जाओ। क्या भैया क्या शुरू करें? गाना। प्यार का पंछी देखो उड़ चला, देखो उड़ चला। नेक्स्ट। मैडम आप, मैडम आप, ये सच है क्या? आप सच में आई हैं? बताइए ना क्या बात है। वो अरे मैडम 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 सुनिए तो, अरे रुकिए तो मैडम, मैडम आप भाग क्यों रही है? सुनिए मैडम, अरे मैडम क्या हुआ? मैडम रुकिए तो, क्या हुआ है आपको? हाँ? हंस रही हैं, रो रही हैं, भाग रही हैं, शर्मा भी रही हैं, बोल भी नहीं पा रही हैं, ऐसा क्यों कर रही हैं? हाँ? तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो? भगवान की कसम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आंखें बंद करो, समझ में आ जाएगा। आंखें बंद करूं? आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? कोई जादू भी तो दिखाना है क्या? हाँ? मजाक छोड़ो, आंखें बंद करो। ठीक है, वैसे आप पर मुझे विश्वास है। बंद कर लिया आंखें। अपने हाथ आगे करो। ऐसे नहीं, बाहें फैलाओ। मैडम आप कहना क्या चाहती हैं? ठीक है जो करना है कर लो, गुदगुदी मत करना, मुझसे सहन नहीं होता। तुम चुपचाप बाहें फैलाते हो या नहीं? ठीक है। तुमने कहा था ना मुझ पर विश्वास है, तो आँख क्यों खोली? आपसे डर लग रहा है ना? ठीक है। वो मैं आज से तुम शंकर नहीं, श्याम हो, मेरे श्याम, इस राधा के श्याम। आई लव यू श्याम। ये आप क्या कह रही हैं? सब कुछ आप खुद ही फैसला कर लोगी? मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन प्यार और आकर्षण का फर्क मैं समझ सकता हूँ। आप आकर्षण को ही प्यार समझ बैठी हैं, तो ये गलत बात है। आप तो आसमान की ऊंचाई पर हैं और मैं एक बंजर जमीन हूँ। हम दोनों के बीच में ये अमीर गरीब की दीवार खड़ी है, यह मैं जानता हूँ। देखिए मैडम, मेरी हैसियत बस आपके हाथों पर मेहंदी लगाने के लायक ही है, लेकिन आपके दिल में बसने के लायक मैं कभी भी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। चलता हूं मैं। शंकर, शंकर रुक जाओ, शंकर, शंकर रुक जाओ, शंकर। लेकर गया था प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हो और यहाँ डांस कर रहे हो, इतनी भी अकल नहीं है। सर डांस करने के लिए मैंने कहा था। अच्छा तुमने कहा, इन्हें डांस करने के लिए कहा होगा और उससे कहा कि लव करो। तुम्हें भी अकल नहीं है क्या? क्या हो गया सर? कुछ नहीं हुआ है मुझे, आगे कुछ होना भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा काम किया है तुमने, अब हम अपना काम संभाल लेंगे, तुम जाके अपना काम करो। पर भाई साहब वो सिस्टर, प्यार नाम की दुनिया में एक इज्जत होती है, उसे बिगाड़ने की कोशिश मत करो। इसे जरा अकल सिखाओ और अपने घर ले जाओ। जाओ। शंकर भाई अचानक मैं 24 घंटे जोकर की तरह नौटंकी करना अच्छा नहीं लगता है। जाओ। किसी और का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों उतार रहे हो शंकर भाई? हर बार मार खाने के लिए मैं ही मिलता हूँ। पूरी बैंड पार्टी में एक मैं ही सबसे कमजोर हूँ जो मुझ पर हाथ उठाते रहते हैं। ए कबाब तू बजा ना यार। अरे तू बंद करे तो शुरू करूँ। बंद करे तो शुरू बजा ना। हेलो चाची, मैं देव। कहाँ तुम सब? जल्दी घर आ जाओ, भाई जी तुम सबको पूछ रहे थे। वो प्रिया कहाँ है? प्रिया हमारे घर में है, वो इस समय किचन में खाना बना रही है। हम लोग कल आएंगे, बाय। हाँ बोलो देव। हम लोगों ने सब जगह ढूंढ लिया मगर प्रिया का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, कहीं दिख नहीं रही है। वो पता नहीं कहाँ चली गयी। प्रिया अपने घर चली गई होगी। घर पे फोन किया था, वहाँ भी नहीं है। हाँ तो किसी फ्रेंड के घर पे गई होगी, जाके देख लो ना। हाँ हम दोनों के अलावा उसका कोई फ्रेंड नहीं है भाई। भाई मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच क्या हुआ। वो बहुत ही सेंसिटिव किस्म की लड़की है, कहीं कुछ ऊंच नीच कर बैठी तो। ए तुम ये क्या कह रहे हो यार, ऐसा कुछ नहीं करेगी वो। तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। अभी तक नहीं है यार। आ गया। देव क्या हुआ, कहाँ गई वो? कुछ पता नहीं चल रहा भाई, फोन लगा लगा के थक चुका हूँ मैं। पागल हो गई हो क्या? कहाँ चली गई थी? इतना टेंशन मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। अब बताओगी कहाँ गई थी? अरे बोलो क्या हो गया तुम्हें? प्यार हो गया है मुझे। प्यार? तुम्हें एक बार मैंने समझाया, समझ में नहीं आता? और कितनी बार समझाना पड़ेगा? मुझसे प्यार करके जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम महलों में ही अच्छी लगोगी, तुम्हारी जिंदगी महलों में ही लिखी हुई है। ऐसे मत देखो मुझे, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता और प्यार करने की मेरी हैसियत नहीं है। बोलो, और एक बार बोलो, मुझे नहीं चाहते हो? अब चुपचाप क्यों खड़े हो? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं थी तो पहले ही मुलाकात पे अपने होश क्यों खो बैठे? बोलो, मेरी बहन के चैलेंज को क्यों एक्सेप्ट किया? आंखों में आंखें डालकर देखने के लिए कहा तो देखते ही रह गए। मेरे हाथ पर मेरी मुझसे ज्यादा खूबसूरत तस्वीर क्यों बनाई? घर से बाहर निकलने के लिए तुम्हें आधा घंटा लग गया था। किसे ढूंढ रहे थे तुम? हाँ मुझे ही ढूंढ रहे थे ना? इनविटेशन देने के बावजूद भी कोई नहीं आता। मेरे भाई ने एक बार कहा आ जाना तो क्यों चले आए? कहने के लिए और भी बहुत कुछ है मेरे पास। एक बात बताओ, मेरे ना मिलने पर इतना क्यों घबरा गए? हाँ शहर भर में क्यों ढूंढा मुझे? वो सब जाने दो। जैसे ही मैं तुम्हें मिली, मैं कौन हूँ क्या हूँ ये सोचे बिना मुझे थप्पड़ मार दिया। क्यों थप्पड़ मारा मुझे? दिल में प्यार है इसीलिए ना। ये हक मेरे परिवार के अलावा सिर्फ तुम्हें है। वो मैं। हाँ वो वही प्यार है। मैं अपना प्यार तुम में देख रही हूँ शाम। और मैं जानती हूँ तुम मेरे प्यार को समझोगे। प्रिया नहीं, मैं प्रिया नहीं हूँ, इस शाम की राधा हूँ। भगवान के लिए मुझे कल शाम तक का टाइम दो, मैं खुद ही आकर जवाब दूंगा। तुम्हारे लिए मैं पूरी रात जागी हूँ, जिंदगी भर इंतजार कर सकती हूँ, तो कल शाम तक इंतजार नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, यही इंतजार करूंगी। अरे नहीं नहीं, यहाँ नहीं बाबा, अब तुम जाओ। कल शाम को 5 बजे मैं खुद गोल गुंबद के पास आ जाऊंगा। शाम, प्यार शर्तों से पैदा नहीं होता है, वो अपने आप दिल में उमड़ कर आता है, मिस मत करना। ठीक है, बाय। यहाँ कोई भी मेरी बात पर ध्यान नहीं देता, कोई नहीं सुनता। क्या जरूरत थी ठंडे पानी से नहाने की? मैंने कहा ना पानी गर्म करके देती हूँ, क्यों ठंडे पानी से नहाया तू? तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए। हे, आशीर्वाद दो माँ। क्या हो गया तुझे? हनुमान पेटी मास्टर, देखिए तो इसे क्या हो गया। गुरु बहन, मिर्च से इसकी नजर उतार दो, सब ठीक हो जाएगा। लगता है तुझे कुछ हो गया है, इसे पकड़, तेरी नजर उतारती हूँ। नजर नहीं माँ। ओह, प्रेम रोग वाली नजर है ये। वाह वाह वाह, गधे क्या बक रहा है? मैंने कुछ नहीं कहा, ये ले। अरे माँ, तिलक मुझे मत लगाओ, तुम खुद ही लगा लो। देखिए तो इसे क्या हो गया है। अरे गर्म है बेटा, जुबान जल जाएगी, संभल के। जो जलना था वो तो जल चुका, जुबान जलने से क्या होगा? मेरी बात सुन शंकर, हम कुल देवता के मंदिर में जाकर ताबीज बनवा लेते हैं। कुल देवता के मंदिर में तो जाएंगे ही माँ, लेकिन उससे पहले तुम पापा से तो पूछ लो। पापा से पूछूं? मैं क्या पूछूं? पापा आपसे कितना प्यार करते थे माँ, और आप भी पापा को जी जान से चाहती थी, मैं भी तो वैसा ही हूँ ना। हाँ, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। पहले तुझे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, मंदिर बाद में जाएंगे। दवा खाने में तो जाएंगे, पापा के बारे में कुछ बताओ ना। बताओ ना माँ। क्या बताऊँ मैं? ए जोकर, गुरु माँ बताओ ना। बताओ ना, हाँ बताओ ना। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। गुरु माँ बता दो। अरे माँ, हम सबको कुछ नहीं हुआ है, पापा के बारे में बताओ ना। श्याम जी, जब भी गुरु जी का जिक्र होता है, गुरु बहन शर्मा जाती है। जाने दो, चुप रहो, उनके बारे में बताने में क्या शर्माना। अब क्या बताऊं, ये मेरे घर के भगवान हैं, सारी कलाओं में निपुण। उनकी जिंदगी एक प्रेम कहानी है, कला उनके लिए जिंदगी थी। इनकी श्री कृष्ण लीला देखने के लिए पता है कोसों दूर से गाड़ी लेकर आते थे। पहले ये बहुत शर्माते थे, पर बाद में प्यार करने लगे, लोगों को ज्ञान देने लगे, विष्णु की मानवता का संदेश हम सबको सुनाते। उन्हें हमेशा मैंने अपना भगवान माना, हमेशा उनकी पूजा की और हमेशा करती रहूंगी। यही थी उनकी कहानी। वाह वाह, क्या बात कही है माँ। इस बात पर तो तुम मुझे तिलक लगा ही दो। तिलक लगाऊं? क्यों तिलक लगाऊं? तिलक लगाओ ना माँ, ज्यादा सवाल मत करो, चलो तिलक लगाओ। हाँ सच में तुझे कुछ हो गया है, रुक लाती हूँ। हे भगवान, कैसा रहा? क्या बात है, ये ले। अब आशीर्वाद दो माँ। अरे अरे, ये क्या कर रहा है? आज जरूर तुझे कुछ हुआ है। माँ, ये सच्चा प्यार क्या होता है? इससे कुछ जरूर हुआ है, ये पागल तो नहीं हुआ? माँ, जो भी कहना है वो बाद में कहना, पहले ये बताओ कि सच्चा प्यार क्या होता है। सच्चे प्यार का मतलब एक साफ पानी की तरह किसी के दिल में प्यार का बीज बोकर, एक प्यारी सी फसल उगाकर उसे दूसरों में बांटना और दूसरों की खुशी में खुश होना। इस सुंदर एहसास को ही प्यार कहते हैं बेटा। हे, तुम तो मस्त हो माँ, अब आशीर्वाद दे ही दो। हे, रहने दो मास्टर जी, एक छड़ी तो दीजिए। हाँ, दे दो, दे दो, जल्दी दो। अरे माँ, एक बार और आशीर्वाद देना। चल, आशीर्वाद दो ना माँ। उठ, कहा आशीर्वाद दो ना माँ। क्या हुआ है शंकर? सच में तुझे कुछ हो गया है, तेरे दिल की धड़कन मुझे बता रही है तुझे जरूर कुछ हुआ है। संभल कर बेटा, संभल कर रहना। हाँ माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। मैं चलता हूँ, बाय। ख्याल रखना। शंकर, कहाँ जा रहे हो, क्या करने वाले हो, ये सब हमें पता है। वैसे तो तुम अकेले बहुत हो, मगर हमारी जरूरत पड़े तो हम तुम्हारे साथ हैं। अरे वाह, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। जाओ जाओ, मजे करो। गोल गुंबद। सच्चा प्यार कैसा होता है? शंकर, आंखें बंद करके देखो। अगर माँ दिखे तो माँ का प्यार, कोई जंगली जानवर दिखे तो जानवर का प्यार, भगवान दिखे तो भगवान का प्यार, भूत दिखे तो भूत का प्यार, कामुकता दिखे तो कामुकता का प्यार, प्रेम दिखे तो प्रेम का प्यार। हर प्यार की अपनी एक पहचान है। मुझे भगवान दिखा है इसलिए मुझे भगवान से प्यार है। तुम भी आंखें बंद कर लो और उसके बाद देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारा प्यार किसके लिए है। यहाँ कैसे आना हुआ? कब आई यहाँ? मैं तो दोपहर से ही गेट के सामने इंतजार कर रहा हूँ। हाँ? कल रात को तुमने मुझसे कहा था ना यहाँ मेरा इंतजार करना, तब से मैं यही इंतजार कर रही हूँ। इतना प्यार करती हो मुझसे? मैंने पहले ही कहा था ना, प्यार किया नहीं जाता, प्यार तो अपने आप हो जाता है। मैं अपने मन की बात कह चुकी हूँ श्याम, तुम्हारे जवाब का इंतजार है और आज तुम्हें जवाब देना ही होगा। तुम खामोश क्यों खड़े हो? अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों? देखो राधा कभी अपने श्याम से क्यों, किस लिए, कहाँ, ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछती थी। ठीक है, आज से ये राधा भी नहीं पूछेगी। जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। आंखें बंद करो। क्यों, कोई जादू करना है क्या? अब अपनी दोनों बाहें फैला दो। मुझे गुदगुदी तो नहीं करोगे ना? मुझे बहुत गुदगुदी होती है। मेरा डायलॉग मुझे ही मार रही हो। जो कहा उतना करो ना। मेरी तरह तुम भी तिरछी आंखों से देख तो नहीं रही हो ना? बिल्कुल भी नहीं। आज के बाद तुम प्रिया नहीं हो। ये प्रिया अभी शाम की राधा है। आई लव यू राधा। आई लव यू श्याम। आई लव यू श्याम। आई लव यू राधा। भाई जी, ये कह रही हैं आज छुट्टी खत्म हो रही है इसलिए आज रात को यहाँ से निकलना पड़ेगा। ओ मुजरा इलाके के आयुक्त जी, अब VRS ले लो, इतना कम नहीं है। बहुत हो गई सरकार की सेवा। आखिर तुम्हें किस बात की कमी है जो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हो? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। मैं भी बोल बोल कर थक गई हूँ। हमारे गाँव में रहने वाले अपनों को छोड़कर दूर रह रहे हैं। वो जाने दो, हमारा ही देख लो, हमारे बच्चे हमारी भाषा नहीं बोलते, पक्के परदेशियों की तरह बातें करते हैं। हेलो, जहाँ स्टाइल में बात करनी होती है वहीं स्टाइल में बात करते हैं, जहाँ खड़ी बात करनी होती है वहाँ खूब खड़ी बात करते हैं। एक बात और कहनी थी, हम लोग अभी गांव नहीं आ रहे हैं, पूरा वेकेशन यहाँ बिता के ही आएंगे। खींच कर दूंगी। ना करने के बाद भी डांस क्लास की ट्यूशन में एडमिशन ली है, अब करना ही पड़ेगा। चाची, बच्चों को यहीं रहने दो, इनके क्लास का इंतजाम घर पर ही हो जाएगा। आप लोगों को अर्जेंट जाना है तो आज ही चले जाइए, लेकिन बच्चे अभी 2 महीने यहीं पर रहेंगे। कोई शायरी सुनाओ ना शाम। सुनाओ। तुम सुनाओ। प्लीज शाम, सुनाओ ना। ठीक है। मेरे कदम तो चलना ही भूल गए हैं जब से तुम मिली हो, मेरी पलकें झपकना भूल गई हैं जब से तुम्हें देखा है, मेरा दिल धड़कना ही भूल गया जब तुम्हारे लफ्जों को सुना। मेरा रोम रोम खिल गया जब तुमने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ प्रिया, दिल की गहराई से कसम खा के कहता हूँ, मंगलसूत्र सिर्फ तुम्हें ही पहनाऊंगा इस शायरी में पिरोकर। वाह वाह, बहुत बढ़िया। सच में? जबरदस्त। अब तुम कुछ सुनाओ ना। मुझे ये सब नहीं आता। तुम्हारे लबों से निकला हर बोल मेरे लिए शायरी गजल से बढ़कर ही है, सच में। कहानी नहीं जिंदगी चाहिए, तुझसा नहीं, मुझे बस तू चाहिए। खूब, बहुत खूब। ए राधा, हम जब साथ फेरे लेते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर, बुजुर्गों को गवाह बनाकर शादी करते हैं, लेकिन हम अपने दिल को साक्षी बनाकर, शिव को साक्षी बनाकर इस शिव मूर्ति के साथ फेरे लगाएंगे। हम एक दूसरे की उंगली जोर से पकड़कर, सारी दुनिया को सुनाई दे इसलिए जोर से कहेंगे, आई लव यू राधा, आई लव यू राधा, आई लव यू श्याम, आई लव यू श्याम। इस तरह हंसते हुए जोर से कहेंगे, और यही हमारा मंत्रोच्चार भी होगा। तेरे प्यार का जादू मुझ पर छाया, तेरे रूप के साए ने मुझे अपनाया। बात करने लगे दिल से, दिल बात करने लगे। हंस रहे हैं ये सपने, खुशी से हंस रहे हैं। ये मेरी तुम्हारी प्रेम कहानी है, ये मेरी तुम्हारी प्रेम कहानी है। सुनो प्रिया, बचपन में ही हमारे माँ बाप छोड़कर चले गए। विरासत में मिली जमीन पर खानदान वालों ने कब्जा कर लिया, लेकिन मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की। 100 एकड़ जमीन खरीदी जिसे 1000 एकड़ पहुंचा दिया। मैंने 2 शानदार बंगले बनाए, 5 शुगर फैक्ट्री, 3 लेआउट और 15 विंडमिल मेरे पास हैं। ऐसे ही मैं गिनाता जाऊंगा और वो खत्म ही नहीं होंगे। भैया, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? तो फिर मैं और किसको बताऊं? और मेरा है ही कौन? प्रीति का तो घर बस ही चुका है, अब बस तुम्हारा भी घर बस जाए तो मम्मी पापा का सपना पूरा हो जाए। भैया। प्रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम हमारे घर की इज्जत पर कभी भी दाग नहीं लगने दोगी, मुझे भरोसा है। अब जल्द तुम्हारी शादी किसी अच्छे से घर में हो जाए तो मुझे तसल्ली मिले। चलो आ जाओ। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं पापा? जब मैं छोटा था तो आपकी आंखें देखकर ही डर जाता था, लेकिन पूरे गांव के मुंह से आपकी चर्चा सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होता था। आप हमारे साथ नहीं रहोगे ऐसा नहीं सोचा था मैंने। आज मैं प्यार की राह पर चल पड़ा हूं। सही कर रहा हूं या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सच्चा प्यार कर रहा हूं। वो विजयपुर की बहुत बड़े घर की बेटी है, वो भी मुझे बहुत चाहती है पापा। आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मैं नहीं जानता। उसके घर वालों को मनाने का काम आपका है, आप ही का है। मेरे प्यार को हारने मत देना। आप शक्तिशाली हैं, भगवान शिव के अवतार हैं। आपके नाम में ही एक शक्ति है, वो शक्ति मुझे दीजिए। आशीर्वाद दीजिए पापा, प्यार की जीत हो, प्यार की जीत हो, प्यार की जीत हो। तुम्हारी प्रेम कहानी 100 मील का सफर पूरा कर चुकी है। हमारी शादी के बाद हमारे 2 प्यारे से बच्चे हुए। उनका खेलना, कूदना और पढ़ाई ही हमारी जिंदगी है। मैंने हमेशा से ही एक ऐसी जिंदगी की कल्पना की थी। मैं चाहती थी कि मेरा एक छोटा सा सुखी परिवार हो, और जब कभी भी मैं तुमसे रूठूं तुम मुझे मनाने आओ। और ये सब करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ प्यार में है। बहुत दिन हो गए तुमने मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगाई, आज फिर से लगाओ ना। अरे अरे क्या हुआ? कितनी उम्मीद से मैंने तुम्हारा लेटर खोला था और तुमने इसमें एक अक्षर भी नहीं लिखा है। क्या कर रहे थे तुम? बहुत कुछ लिखना चाहा लेकिन मैं लिख ही नहीं पाया। अपना दिल निकाल कर मैंने रख दिया। जरा गौर से तो देखो, मेरा दिल नजर आएगा। दिखाई दिया? तुम एक अमर प्रेमी हो और सबसे अलग भी। मेरे दिल का दर्पण खाली था और तुमने उसे आकर भर दिया। खामोशी से सुनो ये प्यार क्या कहता है। तुम्हारे लिए धड़कता था मेरा दिल, खामोशी से सुनो प्यार क्या कहता है। ये प्यार क्या कहता है। ये मेरी तुम्हारी प्रेम कहानी है। ये मेरी और तुम्हारी प्रेम कहानी है। भाई जी आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मानता हूँ मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई। भाई पहले तो गलती करता है फिर माफी मांगता है। मैं क्या माटी का माधो हूँ जो मैं सब कुछ बर्दाश्त करता रहूंगा? ऐसे लोगों को माफी नहीं सजा मिलती है। भाई जी ये तो मर गया, गाड़ दो इसे। हाँ, हाँ। अरे यार माँ, अभी एक मस्त गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ माँ चाय बना दो। माँ माँ सविता तुम्हारा एग्जाम खत्म हो गया क्या? माँ तुम कहाँ हो? माँ उसका फोन आया था, वो अगले महीने आ रहा है, उससे कहो मत आए। क्या बात है गुरु माँ की आवाज ही नहीं आ रही। माँ क्या हुआ शंकर? कुछ तो गड़बड़ है। शंकर जरा उधर देखो। होंगी हारमोनियम गायब है। इसका मतलब गुरुजी मठ में आए हुए हैं, गुरु माँ वहां गई हुई है। भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, गुरु के सामने हाथ फैलाते हैं, दोस्तों से हाथ मिलाते हैं, और प्यार के आगे भी हाथ फैलाए जाते हैं। हम सद्बुद्ध खो देते हैं, मूर्त बन जाते हैं, कला बनते हैं, खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। तुम्हारा हर अल्फाज शायरी गजल जैसा लगता है श्याम। मेरी राधा हमारे बच्चों की शादी हम अलग ढंग से करवाएंगे। ऐसा मान लो हमारे बच्चों को भी 2 प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। हमारे बुढ़ापे की तन्हाई दूर करने के लिए बच्चे हमसे जुड़ जाएंगे और तब हम भी बच्चे बन जाएंगे। अब देखो ना हम कितनी दूर चले गए। हम उतने बूढ़े हो तो जाएंगे ना। हम और हमारा प्यार कभी बूढ़ा नहीं होगा और ना ही कम होगा। सबकी कहानी ऐसी ही होती है, हंसते खेलते सपनों को समेटते, कभी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, कभी रूठते मनाते, कभी जानकर तो कभी अनजाने में। झूठ के लफ्जों से ही प्यार की शुरुआत होती है। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। आई लव यू। आई लव यू। आंखों में प्यार खिल उठा, दिल में प्यार पलने लगा, सांसों से सांसें मिलने लगी, दिल से दिल मिलकर धड़कने लगा। ये मेरी और तेरी प्रेम कहानी, यही है मेरी तेरी प्रेम कहानी। बुढ़ापे में ऐसे गुड़गुड़ करके बोलोगे समझ में नहीं आएगा। तुम गला और जुबान ठीक से साफ करो। अरे बुढ़ापे में ऐसे ही होता है। छोड़ो अब ये सब। अरे मामा मामा नहीं मामा मामा अरे मामा मामा प्लीज माफ कर दो मामा। अरे मामा क्या करी सबके सामने मत मारो। मामा मैं माफी मांगता हूँ। अरे नहीं छोड़ो मुझे। रुको 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 आपके पीछे नहीं लगाओगे तो दर्द कैसे ठीक होगा बताओ। देखिए मुझे तेल लगाने से परहेज नहीं है, लेकिन वो कह रही है कि मेरे पूरे पीठ पर तेल लगाएंगी, वो नहीं होगा। ऐसा क्यों? पिछले हफ्ते लगवाया था तो इस बार लगवाने में क्या प्रॉब्लम है? वो पूरे पीठ पर तेल नहीं लगाना है, बनियान नहीं उतारना है। ऐसा क्यों? वो राधा है ना। कौन राधा? अरे अपनी राधा। उसने मेरी पीठ पर ना प्यार से काटा है, उसके दांत का मार्ग आ गया है। अगर मैंने बनियान निकाला तो माँ तेल नहीं लगाएगी, लेकिन 10 बार सुना तो देगी, इसलिए मैंने नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं। माँ माँ नहीं, अरे नहीं, अरे मत 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 प्लीज ऐसे मत करो। अरे यार छोड़ो ना, अरे क्या करो, बनियान मत उतारो। अरे ओ नो, नहीं प्लीज 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 माँ 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 नहीं। तुम लोग मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो? अरे वो हाथ में तो आ गया था लेकिन मुँह तक नहीं आया, तो अपना हाथ मुँह में घुसेड़ ले। जज्बात दिखाता हूँ तो मुझे जूते की नोक पर रखकर चैलेंज करती है। बताऊंगा मैं उसे कि मैं भी क्या कर सकता हूँ। और ये क्या हुआ? तुम्हारे पेन और पेपर की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई? पेपर खत्म हुआ तो क्या, तुम्हारी पीठ पे लिखूंगा। वो चिंगारी अपने आप को समझती क्या है, बोलती है कि मैं उसके लिए एक कविता लिखूं। कविता लिखकर मैं उसे बता दूंगा कि मैं भी क्या चीज हूँ। पहचानती नहीं है वो मुझे। खड़ा होता हूँ तो 6 फीट, बैठता तो 3 फीट, और लेट गया तो हाँ। बस अब इतना भी मत फेंको। हाँ, वैसे तुमने क्या लिखा है, जरा पढ़ के सुनाओ तो मुझे। सुनाता हूँ। मेरी पहली कविता का टाइटल है ये ए। हाँ। ए, 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 ए। उसकी आंखें बिल्कुल है 1 रुपए के कॉइन जैसा, नाक बिल्कुल दिल्ली की मेट्रो ट्रेन, मुंह शोर शराबे वाला दिल्ली का चांदनी चौक। हाँ? ये सब मिलकर जो विकेट गिरता है वो हूँ मैं। सुपर्ब सुपर्ब। एक और लिखी है, सुनाओ क्या तुम्हें? हाँ हाँ। इस कविता का टाइटल है मैं। हाँ हाँ मैं। अच्छा अच्छा सुनाओ सुनाओ। मैं उसके लिए अपने आप में हूँ मयूर, जब से मैंने उससे प्यार किया मुझे आ गया बुखार, बदलता रहता है बार बार उसके तेवर के साथ उसका स्वर, किस करता हूँ तो चुप हो जाती है कुत्ते के पिल्ले की तरह। हाँ? क्या कहा? कुत्ते के पिल्ले की तरह? मैंने कहा कुत्ते के पिल्ले की तरह, कुत्ते की तरह नहीं। एक और लिखा है, अब बहुत मस्त है, सुनो ना। मुझे नहीं सुनना। और परी तेरे सिवा मेरा और कौन है, सुनो ना। सुनाओ, अच्छी वाली होगी तो ही सुनाना। बहुत मस्त है, सुनो तो। हंसती है तो लगती है बिल्कुल चांद, रोती है तो लगती है स्टीम इंजन का धुआं, भगवान कसम खामोश हो जाए तो बिल्कुल अप्सरा, जब बोलती है तो बिल्कुल सर दर्द देने वाली लड़की। क्या मैं सिर दर्द हूँ? रुको अभी तुम्हें बताती हूँ, सर दर्द देती हूँ ना। मिल गए गुरु मिल गए, मिल गए गुरु मिल गए, मिल गए गुरु मिल गए, परमानंद मिला सब दुख मिट गए, परमानंद मिला सब दुख मिट गए, मिल गए गुरु मिल गए। दीदी सरप्राइज क्या है बताओ ना मुझे। हाँ वाह, आई एम सो हैप्पी दीदी, यू आर फैबुलस। इसमें सब कुछ है, वाओ। लेट्स टेक अ सेल्फी। Hey, what happened? आज इतनी डल क्यों लग रही हो? ओह, मुझे फोन दिलाना पड़ा इसलिए नाराज हो क्या? नहीं छोटी, मैं नाराज नहीं हूँ। तो फिर उदास क्यों हो? परसों शाम के साथ ऑर्केस्ट्रा गई थी, अचानक वहाँ भैया आ गए, मैं कितनी घबरा गई पता है। Oh my God, उन्होंने देखा? नहीं, उन्होंने नहीं देखा। Oh God, oh God, oh God, thank you so much. समझ गई, डोंट वरी। तुम गणेश जी को दिल से मानती हो ना, वो तुम्हें हमेशा हेल्प करेंगे। मैं नहीं चाहती किसी को कोई प्रॉब्लम हो। ये एंजल जब तक है ना, तुम डरो मत। तुम्हारी शादी शाम से ही होगी, पूरी की पूरी फैमिली के सामने। कम ऑन चीयर अप, कम ऑन चीयर अप। राधा, मेरी तुम्हारी प्रेम कहानी का अंकुर फूट कर खिलने का मौसम है ये। गोल गुंबद की गवाही पर हमारी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई है, जिसकी उम्र 75 साल हुई है। अब हम बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन हम दोनों का प्यार कभी बूढ़ा नहीं हो सकता राधा। हम दोनों का शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारा प्यार जब तक सूरज चांद है तब तक जिंदा रहेगा राधा। अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों? ठीक है, आंखें मत खोलना। आंखें खोलो। वाओ, ब्यूटीफुल। कितनी खूबसूरत है। हाँ श्याम, मैं इधर ही हूँ। तुम सबसे अलग हो, फिर भी मेरे दिल के बहुत करीब हो। I love this pure से गणेश जी। I love this बिंदी। I love you श्याम। श्याम, क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस करोगे? प्रॉमिस किए बगैर ही तुम्हारा कहाँ मानूंगा, बोलो क्या है? शादी के बाद हर रोज तुम ही मेरे माथे पर बिंदी लगाओगे और साथ ही ये गुलाब का फूल भी दोगे और मुझसे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे। क्या ढूंढ रहे हो? नहीं होगा क्या? अरे मैंने कब कहा कब होगा? इस वक्त तुमने गुलाब के फूल की बात कही है ना, तो इसलिए गुलाब का बगीचा लगाने के लिए बाग कहाँ मिलेगी वो देख रहा हूँ। जब देखो मजाक करते रहते हो। अरे मजाक नहीं है बाबा। चांद की पहचान उसकी चमकती रोशनी। चमकती रोशनी का नाम है पूनम। वो पूनम तुम ही हो ना? मैं तुम्हारा साया हूँ। ये मेरी तुम्हारी प्रेम कहानी। ये मेरी तुम्हारी प्रेम कहानी है। शाबाश। एसपी साहब का प्रमोशन तो अब पक्का हो। सब आपकी मेहरबानी है भाई। हेलो माइक टेस्टिंग 153 153 153। ए हनुमान, 1 2 3 1 2 3 कहकर माइक टेस्टिंग करते हैं ये मुझे पता है। 1 4 3 1 4 3 का मतलब आई लव यू ये भी पता है, लेकिन 1 5 3 1 5 3 का मतलब ए कबाब। आजकल के लवर्स लड़ झगड़ के मार पीट करके एक होने के बाद कहते हैं ना आई एम सॉरी, वही है ये। अच्छा वो है। अरे कुछ भी बोल रहा है, तेरी इंग्लिश बहुत बेकार है, चुप हो जा। राधा, अरे ये सब छोड़ो, जरा उधर तो देखो। क्या हुआ राधा, क्या बात है? उधर देख। कोई बात नहीं है। शंकर, शंकर आंखें बंद करो। इतने लोगों के सामने वो सब देख रहे हैं। मत, हम कुछ नहीं देख रहे। ठीक है, करता हूँ। बाहें फैलाओ। तुम इतनी साइलेंट क्यों हो गई? राधा, क्या हुआ राधा? राधा दीदी, दुनिया में आया है तो जाएगा भी तू, जो भी यहाँ बोएगा पाएगा वही तू। दुनिया में आया है तो जाएगा भी तू, जो भी यहाँ बोएगा पाएगा वही तू। सृष्टि का नियम है अटूट। मास्टर जी, हमारा शेर इस तरह सर झुकाकर क्यों बैठा हुआ है? शेर बब्बर क्यों ना हो स्वामी जी, प्यार के जाल में फंस गया तो छटपटाता ही रहता है। साथ रहे तो भी ख्याल में, ना रहे तो भी ख्याल में। जो ख्यालों में ना खोए उसका ख्यालों में नहीं डूबने वाला गधे जैसा घूमता है। हेलो देव। हेलो शंकर। अरे यार आज आया क्यों नहीं? मैं नहीं आया वो छोड़ो, प्रिया मिली क्या? हाँ मिली तो थी, लेकिन वो बहुत उदास लग रही थी। कुछ बताया क्या तुम्हें? नहीं कुछ नहीं बताया। क्या बात है बताओ ना यार। उसकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। ये क्या कह रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या? नहीं यार मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, उसकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। उसके पहले तुम जाकर के उसके घर वालों से बात कर लो तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये बात उसने मुझे नहीं बताई। वो तुम्हें बताने आई थी यार, लेकिन बता नहीं पाई भाई। कल सुबह 8 बजे तक का तुम्हारे पास टाइम है, अब उसे बचाने का पूरा जिम्मा तुम्हारा है। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ए हनुमान क्या हुआ? अब मुझे क्या पता, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। ऐसे खामोश मत रहो, बात क्या है मुझे खुलकर बताओ। तुम मुझे क्या समझती हो? बताओ तुम मुझे क्या समझती हो? बताओ मुझे क्या समझती हो तुम? क्या समझती हो मतलब? क्या जवाब देगी मेरी बहन? होश में तो है तू? खाल खींच के भूसा भर दूंगा। भाई साहब 2 मिनट, सिर्फ 2 ही मिनट। बताओ क्यों इस तरह खामोश खड़ी हो? जो नहीं करना चाहिए वो करके अब तमाशा कर रही हो। जवाब मिलने के बाद जितना मारना है मार लेना, पहले अपनी बहन से पूछ लो। मैया, वो दीदी की शादी के वक्त ही आए थे, तब मेरे हाथों में मेहंदी लगाई थी। उसके बाद ऑर्केस्ट्रा में गाना भी गाया था। बस इतना ही जानती हूँ। ए, ए। जब चाहा यूज कर लिया और जब चाहा तब उठाकर फेंक दिया। हम लड़के तुम्हारे पैरों की चप्पल है क्या? उससे अच्छा मेरा गला काट देती या फिर जहर तो पिला देती। मैं तो जहर भी खुशी खुशी पी लेता। ये तुमने अच्छा नहीं किया। बड़े शान से गोल गुंबद के पास गणेश जी को छूकर कसम खाई थी। क्या यही है तुम्हारा प्यार? इसे उठाकर बाहर फेंक दो। औरत माँ का रूप होती है, लेकिन तुमने ये साबित किया कि तुम मर्दों को बर्बाद करती हो। टाइम पास करने के लिए मैं ही मिला था। मैंने तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार किया। पागल, मुझे पागल बना दिया। सच में तुम्हारा जवाब नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, दोबारा किसी लड़के की जिंदगी के साथ मत खेलना। समझ गई तुम? समझ गई? आज के बाद यहाँ पर दिखना मत। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों किया ऐसा तुमने? कितनी लड़कियों के हाथों में मैं मेहंदी रचाते आ रहा हूँ। कितने सुहागन लड़कियों के हाथ मैंने सजाए हैं। वैसी लड़कियों को छोड़कर मुझे इसके जाल में क्यों फंसाया? बर्बाद हो जाए वो लड़की, उसने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाकर छोड़ दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तो हाथों में मेहंदी लगाकर ही खुश था। अब मैं क्या करूं? कैसे मिलूंगा मैं अपनी राधा से? I love you, Radha. मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ, बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दो माँ। मैंने सोचा वो लड़की अच्छी है, लेकिन उसने मेरे साथ धोखा किया। बहुत बड़ा धोखा दिया है मुझे, लेकिन मैं उसे यूं छोड़कर नहीं आया हूं। उसके मुंह पर मैं चप्पल मार के आया हूं, सुना कर आया हूं उसे। चप्पल मार कर आया है? हाँ माँ। हाँ? क्या तू वही शंकर है? तू मेरा बेटा है। मैंने तुझे यही संस्कार दिए। तू हार गया है माँ। तुझे वैसी लड़की दोबारा नहीं मिलेगी। ये तुम क्या कह रही हो माँ? शंकर, तू जैसे समझता है वो वैसी लड़की नहीं है। प्रिया सही है। मतलब? उसका भाई गलत है। मुझे उसने अपने घर में बुलाया था। तुम्हें अपने घर बुलाया था? तुम्हारे बेटे के हमारे बहन की जिंदगी में आने से पहले मेरा परिवार दूध और शहद की तरह था, लेकिन उसकी करतूत के लिए उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंकना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। नहीं नहीं, मेरे बेटे को ऐसा कुछ मत करना। मैंने अपनी बहन को बहुत नाजों से पाला है। किसी बैंड बाजे वाले के साथ मैं अपनी बहन की शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। समझ गई आप? समझ गए। अगर वो ठीक से रहेगा तो उसे खरोंच भी नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। लेकिन उसे इस प्रेम कहानी को भूलना होगा। मेरे बेटे को मैं समझाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। मैं चिंता करने वालों में से नहीं हूँ माँ जी, चिंता करवाने वालों में से हूँ। आपको अपने बेटे को समझाने की जरूरत नहीं है, मेरी बहन को समझाना होगा आपको। कल शाम को मैं अपनी बहन को राम तीर्थ मंदिर में लेकर आऊंगा। उसे कैसे समझाना है ये आप सोचिए, लेकिन ये सब आप मेरे कहने पर कर रही हैं, ये उसे नहीं पता चलना चाहिए गुरु माँ जी। समझ गई ना? ठीक है भाई जी, मैं अपना वादा निभाऊंगी और आप अपना वादा निभाइएगा। ऊपर वाला भला करे। श्री मल्लिकार्जुन। भाई जी प्रिया को मंदिर में ले आए थे। मैं वही एक भिखारी के बाजू में बैठी थी, बेघरन की तरह। प्रिया ने घबराकर मुझे वहां से उठाया। मैंने सोचा किसी तरह समझा बुझाकर उसका दिल बदल दूंगी मैं, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन उसने मुझे बहुत कुछ बातें समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मानी। मेरी बातों से मजबूर होकर उसने तुझे भूल जाने का वादा मुझसे किया। एक बार तुमसे मिलना चाहती थी वो, उसने अपनी ख्वाहिश मुझसे जाहिर की। मैंने भाई जी से वादा किया था, वो मैंने निभाया और प्रिया ने अपना वादा निभाया। देख शंकर, अब तुझे वादा निभाना है। पकड़ो इसे। शंकर, इसकी हड्डी पसली तोड़ दो। मत मारिए मेरे बेटे को। तुम्हारा बेटा तो गया समझो, उसको गुरु माता कहती हो और अपने इस बेटे को सही सीख तक नहीं दे सकती। नहीं छोड़ूंगा इसे। सूरज निकलने से पहले ये गांव छोड़ने में ही तुम्हारी भलाई है, वरना इस घर को शमशान बनाकर रख दूंगा। सबको उठाकर बाहर फेंको। सुबह तक चले जाना गुरु माँ। चलो सब। उठ शंकर, उठ जा। अब तक मैं उसकी बातों में आकर तुझे रोकती रही, लेकिन अब मैं तुझे आदेश देती हूँ बेटा, चला जा। आजा मेरे साथ, आजा। मैं भवानी शंकर मठपति जी की कसम खाकर कहती हूँ, अगर तू शादी करेगा तो उसी लड़की से करेगा। उसके भाई ने यहाँ आकर हम पर हुक्म चलाया, सूरज निकलने से पहले तुम दोनों शादी कर लो। उसे जहाँ लेकर जाना है लेकर चले जा। अगर सच में तो हम दोनों की औलाद है तो तू अपनी शादी में हम सबको बुलाएगा, नहीं तो इस माँ को तो हमेशा के लिए खो देगा। जा बेटा। अरे उठो यार, उठो। घर में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उठो यार, बहुत आलसी हो यार। छे, अरे वाह, हमारे भाई जी तो जाग गए। आशीर्वाद दो। हाँ? अरे क्या हुआ? तुझे प्यार की भाषा समझ में नहीं आती? कल की खुराक कम पड़ी क्या? अरे कल तक मेरा दिमाग खराब था, लेकिन अब बिल्कुल सही हो गया है। आज के बाद आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं देता जाऊंगा, आप बस लेते जाना। जरा मेरी बंदूक देना। रहने दो साले साहब, कूल। अरे वाह वाह, पूरे घर वाले जाग गए। हाँ, ये है सही फैमिली। भाई साहब, जब मैं यहाँ पहली बार आया था तब तुम्हारी बहन बहुत ही डरी हुई थी, लेकिन अब देखो पूरी तरह तैयार हो गई है। अब पूछो उससे। मैं इससे प्यार करती हूँ। मतलब? इसका मतलब इससे शादी करना चाहती हूँ। अपनी सारी जिंदगी इसी के साथ गुजारना चाहती हूँ। सुपर प्रिया, सुपर। सुन लिया? ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है, ये हमारा फैमिली मैटर है यार। उस दिन मेरी चौखट पर तुम लोग आए थे इसलिए जीत गए, वरना मैं तुम लोगों को चीर कर तुम्हें भूसा भर देता सालों। अरे अब आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? प्रिया चलो चलें, इन लोगों का दिल नहीं बदलेगा, हमारे प्यार को ये लोग पसंद नहीं करेंगे। ऐसे में मैं तुमसे दूर होने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो चले आओ। चलता हूँ साले साहब। हाँ, आप मुझे पीछे से गोली मार दोगे तब भी चल जाएगा, मरने के लिए मैं तैयार होकर ही निकला हूँ। मुहूर्त देखकर शादी की दावत देने आऊंगा, खाना खाने के लिए जरूर आना। आओगे ना? प्रिया, अरे पैर आगे रखें या पीछे रखें, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो साले साहब। आज से 2 दिन बाद मैं तुम दोनों की शादी खुद करवाऊंगा, वापस आ जाओ। साले साहब कितनी प्यारी बात कही है आपने, सुपर्ब साले साहब सुपर्ब। परसों सुबह 8:30 बजे से आपकी हवेली के सामने हमारा ऑर्केस्ट्रा बजेगा। मुझे भी बहुत काम निपटाना है, जरा रेडी होने के लिए टाइम भी मिल गया है। आपके मन में मेरे लिए प्यार है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। प्रिया आशीर्वाद ले लो। शीघ्रमेव कल्याणम प्राप्तिस्तु। साले साहब मैं उम्मीद करता हूँ आप प्यार से मान गए। ठंडी हवा बनकर जा रहा हूँ, मन में कोई खोट रखकर खेल रहे हो तो ऐसा वैसा नहीं आऊंगा, आंधी बनकर आऊंगा और सब कुछ उड़ा ले जाऊंगा। चॉइस तुम्हारी है, मेरे प्यार को संभल कर रखना। हाँ चलता हूँ। राधा ढिसके आओ, चलता हूँ बदमाशों, अंदर जाओ। मले 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 मल्लैया, मले 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 मल्लैया। बात कीजिए ना, क्यों खामोश बैठे हैं। ये प्यार मोहब्बत भी किसी खटमल की तरह ही है, दिन ब दिन इसका काटना बढ़ता ही रहता है, कभी कम नहीं होता। पर इस कीड़े को अगर एक ही झटके में मार दें तो मजा नहीं आता है। कल रात को ही हम सब यहाँ से बेंगलुरु जाएंगे और वहाँ प्रिया का एंगेजमेंट करेंगे। लड़का कौन है, क्या है, कैसा है, क्या करता है, ये सब कल पता चलेगा। प्रिया को हमें यही बताना है कि हम सब गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए हुबली जा रहे हैं। हमारे प्लान के बारे में उसे बिल्कुल पता ना चले, समझ गई ना तुम। मले 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 मल्लैया, तो तुझे रानी चाहिए थी ना। अरे सत्य मेरी माँ देना, कुछ पैसे देना से कर रहा है। चलो जाओ। अरे तुम्हारा भला, भगवान तुम्हारा भला करेगा, देना 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 से। चलो निकलो। अरे भगवान तेरा भला करे, चलो निकलो। अरे नजर उतार दो ना सेठ, मिल गई लक्ष्मी। अरे ओ सेठ, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो तुम, जुग जुग जियो लल्ला। प्रिया कहाँ है? मले 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 मल्लैया, मुझे धोखा दे रहा है तू, मेरा दोस्त होकर। इससे पहले मैं तुझे खत्म कर दूं, निकल जा। अच्छा काम करने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। राम और सीता को मिलाने वाले हनुमान थे, इस राधा और श्याम को मैं मिलाऊंगा। देव देव भगवान भी आ जाए तो इनको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों सच्चे हैं और उनका प्यार सच्चा है, समझ गए आप। शिवाजी गौड़ा पाटिल, ये दोनों एक होकर रहेंगे, उन्हें मैं मिलाऊंगा, वादा करता हूं। हल्ला गुल्ला मच गया रे दुनिया में हंसा रे, परिंदों ने कर ली है उड़ने की तैयारी। आंसू रहे आंखों में जोड़ी टूटे ना हमारी, तेरे लिए छोड़ दी मैंने सब रिश्तेदारी। टूटे ना ये जोड़ी, दिल से ये दिल की डोरी, मैं चांद तू चकोरी, मंजिल है दूर थोड़ी। दौड़ी रे दौड़ी रे दौड़ी रे, दौड़ 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 पड़ी रे। जोड़ 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 गई रे, दौड़ 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 पड़ी रे। जोड़ 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 गई रे। जय हो देवी अल्लामा, रखना में हर प्यार पे तुम माँ। जय हो देवी अल्लामा, रखना में हर प्यार पे तुम माँ। दुनिया माने गलत जिसे हम कहते सही रे, प्यार की पूजा करते हैं हम है प्रेम पुजारी। प्यार इबादत है, प्यार मंजिल है हमारी, प्यार ही दुनिया है, प्यार किस्मत है हमारी। ना रुके ये गाड़ी, अब टूटे ना ये यारी, सुन ले ये दुनिया सारी, यही जिद है अब हमारी। दौड़ी रे दौड़ी रे दौड़ी रे, दौड़ 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 पड़ी रे। जोड़ 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 गई रे, दौड़ 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 पड़ी रे। जोड़ 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 गई रे। चल पड़ी प्रेम की गाड़ी, ये प्यार की सवारी, दुनिया को छोड़ सारी, चली प्रेमियों की जोड़ी। दौड़ी रे दौड़ी रे दौड़ी रे, तक 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 ताना, तक 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 ताना, तक 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 ताना, तक 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 ताना, तक तक दौड़ी रे दौड़ी रे। मैं आपसे विनती करती हूँ, जिद मत कीजिए, वो कोई और नहीं है, आपकी सगी बहन है, प्लीज मान जाइए। क्यों जिद पकड़ कर बैठे हैं, हम अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते हैं। इतनी देर तक मैं भी यही सोच रहा था, अपनों का सपना पूरा करो तो सब खुश होते हैं, हार कर जीता तो मैं बाजीगर कहलाऊंगा। देव को मैसेज भेजो, उसे लेकर आए, शादी की तैयारी करते हैं। अरे भाई, 2 नारियल पानी देना। मलाई वाला नहीं है, सिर्फ पानी वाला है। ठीक है, चलेगा, दे दो। को ले जाने के लिए आया हूं, बेकार में मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना अगले जन्म का भी मिलाकर मारूंगा। माइक पकड़ा तो सिंगर हूं, बाइक पर चढ़ गया तो नायक हूं, चुप रहा तो सेवक हूं, लेकिन जब अपने में आ जाता हूं तो शमशान घाट में आग लगाने वाला सिद्धि बन जाता हूं। इधर लाना। अरे मुंह खोलना। इसमें जहर वहर तो नहीं मिला है? ऐसा कुछ नहीं है, मुंह मीठा करो। तुम भी लो। बात क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रही है। बात कोई मामूली नहीं है, खुशखबरी है यार। मैंने सोच लिया, बस बहुत हुआ ये गुरूर, ये घमंड। इसके चक्कर में अपनी बहन की जिंदगी नहीं खराब करनी मुझे। शंकर अच्छा लड़का है, धूमधाम से शादी होगी उनकी। क्या शादी करवाएंगे? आप ये बात कह रहे हैं भाई जी? और नहीं तो क्या टीवी पे सुन रही हो? ये भाई अब बदल गया है। आखिर मेरी बहन है वो, उन दोनों से बात करो, वो जहां कहेंगे वहां शान से धूमधाम से उनकी शादी होगी। भाई जी मुंह में राम बगल में। ऐसी बात नहीं है, मैं खुशी से कह रहा हूँ। ये मार पीट झगड़ा लड़ाई बहुत हो चुका। बुलाओ उन्हें, मुंह मीठा करवाना है। फोन करो ना। हाँ करता हूँ। फोन करो। क्या हुआ? आपने बिल नहीं भरा इसलिए आउटगोइंग बंद है भाई। समझ गया समझ गया, कोई जल्दी नहीं है, शादी की तैयारी में लग जाओ। हाँ एक और बात, शादी में शंकर का ऑर्केस्ट्रा ही बुला। जी भाई जी। हाँ, जी बिल्कुल भाई जी। आखिर में प्यार की जीत हुई भाई जी। आइए गले लगते हैं। थैंक्स सॉरी। ठीक है जाओ जाओ। चलो चलो। बाइक चली गई, भगवान चला गया। अब मेरे पास बचा है तो सिर्फ ये किन्नर का दिया हुआ आशीर्वाद वाला कॉइन। इसे तुम जेब में रख लो, मुझे कल तक तो भूख लगेगी नहीं। तुम टेंशन मत लो, कल तक कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। राजकुमारी जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें काम करने नहीं दूंगा। दुख और तकलीफ तो आते ही रहते हैं। आज धूप में तप रहे हैं तो कल छाव भी मिलेगी। कुछ ही दिनों की बात है। वो सूरज भी हमारे प्यार के बारे में जानता है, वो कभी हमें झुलसाने की कोशिश नहीं करेगा। शाम कोई शायरी सुनाओ प्लीज। सिर्फ एक। ठीक है। मिर्जा गालिब। वो अकेली थी और मैं भी तन्हा था, प्यार हुआ हम दोनों में, घर में बताए बिना दिल का कहा मान कर भाग चले हम दोनों। खाने पीने के लिए कौड़ी ना थी, पानी से हम अपनी भूख मिटाते गए, तन के कपड़े फटकर चीथड़े हो गए, फिर भी हमारे प्यार में कोई कमी नहीं आई। हमारे प्यार में कमी नहीं आई। लाजवाब, बहुत अच्छी थी। इसलिए मेरी जेब में तो बस 10 रुपये हैं, लेकिन मेरे साथ मेरा अनमोल हीरा है। एक मिनट में अभी आता हूँ। श्याम संभल कर। मैं बस अभी आ रहा हूँ। अरे यहाँ पर सब ऐसे ही आते हैं, मुफ्त में खाने के लिए चले आते हैं, पैसा वैसा देते नहीं हैं। अरे ये दे दो वो दे दो सेठ जी। अरे होटल ऐसे ही चलता है क्या? अरे ला 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 टरा 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 टरा। एक और आ गया, देखते हैं इन्हें क्या तकलीफ है। क्या बात है भाई? ओनर से मिलना है मुझे। ओनर से? भरमूजे की औलाद, कब जाता है कब आता है मुझे खुद नहीं मालूम भाई। मैं भी थक चुका हूँ, सोच रहा हूँ उसे नौकरी से निकाल दूँ। उल्लू का पत्ता किसी भी काम का नहीं है। बेस्ट फेलो इन दिस वर्ल्ड इन द अर्थ। ऐसा मत कहो, वो सुन लेगी तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। सुन छोटे, ऑनर का मतलब प्रेस किया हुआ कपड़ा पहनकर गल्ले पे बैठकर पाँव हिलाते हुए हुकुम चलाने वाले मालिक होते, समझ गए? हाथ पैर हिलाकर दिल को तसल्ली मिलने तक मेहनत करनी पड़ती है भाई। मैंने पैसा कमाने के लिए ढाबा नहीं खोला है, सेवा करने के लिए खोल रखा है। जो भी खाता है वो आशीर्वाद देकर जाता है। मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, मान गया। शरणार्थी हो, है ना? घर से भागे हुए कितने दिन हो गए तुमको? रोकड़ा खत्म हो गया ना? यहाँ पर हर रोज रावड़ी लोग, पुलिस वाले और तुम जैसे भागे हुए लोग ही आते हैं। लगता है बहुत बड़े घर से हाथ मारा है। उसको वहाँ अकेला छोड़कर क्यों आ गए? राधा? ए भाई नहीं, वो मेरी राधा। तुम्हारा प्यार क्या हा? वो यहाँ है भाई। कहाँ है? उसे आ जाने दीजिए, फिर खा लूंगी। हो, इतना प्यार करती हो उससे, तुम्हारा प्यार हमेशा ऐसा रहे। भगवान, ये देखो, ये दोनों घर से भाग कर आए हैं। ए आओ भाई, यहाँ बैठो। तुम्हारा प्यार एकदम पक्का है भाई, इसीलिए दोनों अभी तक साथ में हो। भाई जी के गिरेबान तक तुम पहुँच गए, मतलब तुम ग्रेट हो। वो सब ठीक है, ये भागम भाग का चक्कर और कब तक चलेगा? पता नहीं। पता चलेगा भी नहीं, छोड़ो। अच्छा, ये भागम भाग क्यों कर रहे हो? साथ में रहने के लिए। साथ रहना है तो तुम दोनों शादी कर लो, फिर तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। भाई इस तरह से दिन बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है भाई। भाई तुम हाँ कह दो तो शादी की तैयारी मैं करता हूँ। क्या? हम दोनों ने भी भाग कर शादी की है। अरे हमें पता है कितनी तकलीफ होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। ठीक है, आप अपने हिसाब से शादी की तैयारी कीजिए और मैं अपनी माँ और दोस्तों को बुला लेता हूँ। बिल्कुल भाई, सदा शिव ने फूल खिलाया। तेरे नाम से आज की रात फिक्स। क्या फिक्स किया है जी? तुम पूछो मत, मैं बताऊंगा नहीं। मैं यूं गया और यूं आया। खाना खाकर खटिया पे आराम करो। ए, तू भी सो जा, मेरी सेवा तुझे करनी है। प्यार के लिए प्यार बन जाओ, प्यार ही है। प्यार में मेरे सारे साथी घर छोड़ चुके हैं। तुम्हारे गले में मैंने कल्पना से मंगलसूत्र पहनाया है। अपनों की खुशी के लिए और दुनिया के ताने बंद करने के लिए कल हमारी सच्ची शादी होगी। क्या चल रहा है भाई यहाँ पर? अरे वहाँ देखो। वाह वाह वाह, आइए ना आइए। सुनो भाई, ये एक्स्ट्रा क्लास हम भी पहले कर चुके हैं। चांदनी रात में प्रेम कहानी के किस्से बहुत जोरों पे चल रहे हैं। नहीं, चलने दो चलने दो। वो कोई देव करके है, बहुत टाइम से फोन कर रहा है। ये पकड़ो, उससे बात करो। लाओ ना लाओ। हेलो शंकर, कहाँ हो तुम? देव, क्या हुआ बोलना। भाई जी तुम दोनों की शादी कराने के लिए मान गए हैं। सच कह रहा है? ये कह रहा है तुम्हारा भाई शादी के लिए मान गया। थैंक यू देव, थैंक यू सो मच। सबको यहाँ ले आओ ना। हाँ ठीक है। हाँ, शादी की तैयारी यहीं पर हो रही है। अच्छी बात है, मैं लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ लेकिन जल्दी आना। ओके। क्या बात है, अभी तक तुम्हारे साले साहब नहीं आए? उनके आने तक हमें ऐसे ही नाचना पड़ेगा या फिर कुछ और? मुहूर्त के लिए अभी 10 मिनट और बचे हैं। उतने समय में आते हैं तो आकर हमें आशीर्वाद दे देंगे। नहीं तो फिर इस खूबसूरत शादी को मिस कर देंगे। ये बात सच है कि अंदर ही अंदर लड़की का दिल बहुत दुखेगा, लेकिन मैं संभाल लूंगा। भैया कैसी हो? भैया शंकर, ये लो मंगलसूत्र। आखिरकार मंगलसूत्र आपके ही आशीर्वाद से मिला है। लगता है जैसे गर्मी के मौसम में बारिश हुई हो। बारिश के जोर से बरसने से पहले मंगलसूत्र बांध दो। शंकर, खेल देख, ज्यादा उछल मत। तेरी माँ की जिंदगी मेरे कब्जे में है। जमींदार क्या होता है अब आया समझ में? सैकड़ों जमींदारों की जमीन पर कब्जा मैं कर चुका हूँ, तो क्या मैं अपनी बहन को अपने कब्जे में नहीं ले सकता? शंकर, अब तेरी सारी नौटंकी खत्म। श्री मल्लिकार्जुन, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मत करो ऐसी गलती, वरना पछताओगे। गलती मैं नहीं कर रहा, बल्कि तू कर रहा है। तूने सोचा कि तू क्या करने जा रहा है? मेरी बहन के अलावा तुझे और कोई नहीं मिला था। जवाब दे धोखेबाज। ए शिवाजी, धोखेबाज वो नहीं तू है। तूने अपना वादा तोड़ा है। ज्यादा चिल्लम चिल्ली करने की जरूरत नहीं है। अब भी तुम दोनों को एक चांस देता हूँ मैं। चले जाओ मेरी बहन की जिंदगी से। सुन शिवाजी, तेरी बहन के गले में मंगलसूत्र बांधे या फिर ना बांधे, तब भी शिवाजी वो मेरी बहू है और हमेशा रहेगी। क्या करेगा वो गुरु माँ? क्या करेगा तुम्हारा बेटा? चीर कर रख देगा। चीर कर रख देगा? ए, तूने क्या कहा था? चीर कर उसमें भूसा भर देगा। चल आज देख ही लेते हैं कौन किसे चीरता है और कौन किसके अंदर भूसा भरता है। सोना बाई। शंकर, शंकर को सिर्फ एक बार बोल दे कि वो मुझे पसंद नहीं है, फिर मैं उसे और उसके घर वालों को अभी छोड़ दूंगा। भैया आप बुरे हो ये तो मुझे पता था, पर इतना गिर जाओगे ये नहीं पता था। एक बात याद रखिए, अगर हम जिएंगे तो साथ में और मरेंगे भी साथ में। अच्छी बात है, जो तू चाहती है वही मैं भी। भैया, भैया शंकर! हट! हट! अब क्या हुआ हनुमान? उस दिन तो बहुत बोल रहा था। अब देख अपने राम का हाल, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। जरा समझा दे इसे। भाई जी छोड़ दीजिए उसे, आप क्यों उसके ऊपर इतना जुम्म ढा रहे हैं? क्या मिलेगा आखिर आपको? खुशी, खुशी मिल रही है मुझे। जब मैंने अपने हाथ से तुझे मंगलसूत्र दिया था तो तुझे खुशी मिली थी ना? बहुत उड़ रहा था तू, सारी हेकड़ी निकल गई। सिर्फ एक बार तू कह दे, मेरी बहन का पीछा करना छोड़ देगा। उसे छोड़ने के लिए मैंने उससे प्यार नहीं किया। मैं जीऊंगा तो उसी के साथ और मारूंगा तो भी उसी के साथ। मले 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 इसे छोड़ दो भैया, इसे टच मत करो, हम इस जगह से बहुत दूर चले जाएंगे भैया। भैया शाम। पहले मैंने शांति का उपाय करके देखा, तू नहीं समझा। उसके बाद धमकी देकर देखा तो तू झुका नहीं। अब सिर्फ एक उपाय है, चीख पुकार। भैया से क्या होगा? इस जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे तब भी इस संसार से प्यार कभी खत्म नहीं होगा। जिस तरह राधा और श्याम का प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ, वो चराचर है, हमेशा इस संसार में रहेगा, अमर रहेगा। क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस करोगे? शादी के बाद हर रोज तुम ही मेरे माथे पर बिंदी लगाओगे और साथ ही गुलाब का फूल भी दोगे और मुझसे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे। कुछ पल मेरे सामने बैठकर बस मुझे देखती रहो और बस देखते ही रहना मेरे जीवन साथी। एक छोटा सा प्यार जिंदगी भर के लिए काफी है। क्या वो प्यार तुम मुझे दोगी? क्या मेरा साथ दोगी? यही है मेरी तेरी प्रेम कहानी, यही है मेरी तेरी प्रेम कहानी।